कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। तो वाकई में बढ़िया हो ना, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है कुछ इसी प्रकार का, मेरे प्रीव्यू में आप लोगों को जिस तरीके से वीडियो देखा है आप सबों के बीच कुछ इसी प्रकार का मैं व्हाट्सएप स्टेटस लेके आ चुका हूँ। तो आज को इस वाले वीडियो को एडिट करने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, किसने किस तरीके से आप लोगों को बनाना है, तो इस वीडियो में सभी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। तो आप लोग एक पार्ट भी आप लोग स्किप करोगे तो आप लोगों को कुछ इसी प्रकार का वीडियो आप नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जा करके आप लोग इस तरह से वीडियो बना पाओगे, नहीं तो आप लोग इस तरह से वीडियो आप नहीं बना पाओगे। तो चलिए आज के कमाल का वीडियो को देख लेते हैं। तो आज इससे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसके जो मैं आप लोग वीडियो एडिट करने आज को जो एडिट करने वाला हूँ इसको ऐप में काइन मास्टर से एडिट करने वाला हूँ, और मैं दूसरे ऐप से नहीं एडिट करने वाला हूँ। इस वाला जो वीडियो है मैं काइन मास्टर की हेल्प से ही इस प्रकार का वीडियो आज बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जाकर के आप इस वाले काइन मास्टर का लिंक में पिन करके दे के रखा हूँ, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जा नहीं सकते हैं तो आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन टेक्नो यूट्यूब चैनल। तो अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सोच के रहिए भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई के चैनल है, आप लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों अभी देख सकते हैं, तो मेरा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को जो वीडियो है आज होने वाला है, कुछ इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मैं आज एडिट करना सिखाने वाला हूं। तो अभी जिस तरीके से मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को वीडियो आज मैं एडिट करने आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से स्टेटस आप बना सकते हैं। तो कुछ किस तरीके से बनाया हूँ मैं इस वाला वीडियो को, आप पूरा कंटिन्यू वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ इसी प्रकार का वीडियो आप नहीं बना पाओगे। सबसे पहले तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। इस काइन मास्टर का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं दे दिया हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है या फिर 16.9 का एक्सपायर रेस आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर आपको कोई भी एक आपको बैकग्राउंड आपको ले लेना है, इसको ड्यूरेशन को आपको 50 सेकेंड तक आपको कर देना है। 50 सेकंड तक कर देने के बाद इसको अभी यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहा है इस पर ऊपर क्लिक करना होगा, एक ग्रीन कलर सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। जैसे इस प्रकार का हो जाएगा तो अभी आपको क्या करना होगा, अभी जिस फोटो से आप उस इस प्रकार का स्टेटस बनाना चाहते हैं उस एक फ़ोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि साथियों अभी देख सकते हैं, तो मैंने जो सिलेक्ट कर लिया हूँ कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, इसको जो ड्यूरेशन रहेगा आपको वीडियो के एंड तक आपको कर देना है। जैसे कर दोगे कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, तो इसको अभी आपको नीचे आना होगा, एक क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग इस प्रकार का आपको क्रॉपिंग करना होगा। करने के बाद इसको मार्क्स को जो है इसको 1 कर देना होगा, इसको अभी आपको शेप ले लेना है। तो ये जो दिल वाला दिखाई दे रहा है इस दिल वाला पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो इसको आपको हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार का, तो इसको ओके कर देना होगा। ओके कर देने के बाद इसको अभी क्या करना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रकार का छोटा कर लेना होगा। तो इस तरीके से आपको छोटा करना है, तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। इसको एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट एक लेयर बनाना है। लेयर बनाने के बाद इसको अभी थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का छोटा कर लेना होगा, कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर आपको
शॉर्ट आप लोगों को करना होगा। तो जैसे कि साथियों अभी देख ही सकते हो मैंने जिस प्रकार का आप लोग को यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार का आप लोग छोटा करना होगा। छोटा करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इसमें अभी राइट साइड में अभी एक ऑप्शन देखोगे ओवरऑल एनिमेशन, इसको जाकर के आप लोगों को यहाँ पर जो सर्कल वाला जो यहाँ पर सर्कल वाला रिंग वाला जो है यह जो रिंग है इसको ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक कर दोगे कुछ इस प्रकार का आप लोग को दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको अभी आपको एक्सपोर्ट करना होगा। तो इसको सही करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं पहले से एक्सपोर्ट कर लिया हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं बैक करके दिखाता हूँ। तो अभी आपको फिर से आप लोगों को जो है प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा, 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको जो एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पर जो है आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। तो इस वाला बैकग्राउंड का आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितने तक आपको 50 सेकंड तक आपको कर देना है, कर देने के बाद इस जो अभी जो काम है आप लोगों को यहाँ पर ही वो जो काम करना होगा। तो अभी आपको फिर से उसी वाला फ़ोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इस वाला फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं क्रॉपिंग पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आना है, क्रॉपिंग पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। इसको जो यहाँ पर आपको मार्क्स है इसको ऑन कर देना है। इसको जो आपको यहाँ पर फिर से आप लोग को दिल वाला पर आपको सिलेक्ट करना होगा, कुछ इसी प्रकार का आपको एडजस्ट करना है। इसको जो वीडियो का जो ड्यूरेशन रहेगा इसको ओके कर देना है। इसके जो फोटो का जो ड्यूरेशन रहेगा आपको जो जितने तक आपको फोटो है बैकग्राउंड है उतने तक आपको कर देना होगा। जैसे आप कर दोगे कुछ इस प्रकार का आप लोग को दिखाई देगा। तो अभी आपको यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको अभी थोड़ा सा इस प्रकार का आप लोग को छोटा करना होगा। तो अभी देख सकते हैं इसको मैं साइड में लेता हूँ। तो अभी आपको सबसे पहले इसमें एक आपको दिल वाला जो है ये आप लोगों को ऐड करना होगा। तो ये जो दिल है इसको मैं यहाँ पर PNG बनाया हूँ, तो इस वाला दिल को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो इसको ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, कहाँ तक मैं रखना चाहता हूँ इस प्रकार का मैं रख लेता हूँ। तो इसको ड्यूरेशन को मैं वीडियो का लास्ट तक आपको कर दीजिएगा। देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान से नहीं देखोगे तो आप लोगों को इस तरीके से जो भी वीडियो है आप नहीं बना पाओगे। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसमें अभी इस तरीके से आपको यहाँ पर ले आना होगा। इसको आने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोगों को छोटा करके इसको दिल के हिसाब से ही इसको एडजस्ट करना होगा आप लोगों को। तो आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा। तो मैं जैसे थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे इसको ऐड करोगे तो कुछ इस प्रकार का आप लोगों को दिखाई देगा। इसको अभी आपको क्या करना होगा, इसको चार आप लोगों को डुप्लीकेट लेयर बनाना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर बनाना है, इसको चारों आपको डुप्लीकेट लेयर आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले ऐसा डुप्लीकेट लेयर हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, चारों को कुछ इस जगह पर आपको कॉर्नर पर आपको सेट करना होगा। तो कुछ इस जगह पर इस तरीके से आपको सेट करना है। तो मैं जैसे कलर हूँ कुछ इस प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर चारों कोना पे आप लोगों को ये जो चारों फोटो है यहाँ पर आपको सेट करना होगा कुछ इस प्रकार का। सेट करने के बाद इस वाला जो काम है अभी आप लोगों को शुरू हो जाएगा। तो इस वाला जो फोटो है इसको ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो चाबी का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। थोड़ा दूर आप लोगों को आ जाना होगा। तो कुछ इस जगह पर आपको आना होगा, तो इस जगह नहीं आपको इतने तक आपको आना होगा, कुछ इतने तक आ जाने के बाद इसको अभी क्या करना होगा, इसको अभी कुछ इसको का पकड़ के कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा, इस जगह पर आपको एडजस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से करना होगा, जो आप लोगों को यहाँ पर जो काम है यही पर ही आप लोगों को मेन काम आपको करना होगा। तो अभी आपको इतने तक आपको कर दीजिएगा। जैसे इसको ओके कर दोगे फिर से आप लोगों को इसी वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर से साबिक आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। साबिक आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से आप लोग को इस यहाँ तक आपको आ जाना होगा, कुछ इस जगह पर इस वाले फोटो को पकड़ के कुछ इस जगह पर आपको फिर से इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। कर देने के बाद अभी आपको फिर से आप लोग को इस वाले फोटो को ऊपर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद इसको अभी फिर से आप लोगों को सभी का आइकन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग को वही जगह पर आपका आना होगा जहाँ पर आप लोग को दो फोटो यहाँ पर जो दिल का ऊपर है ये बैठ चुका है, कुछ इस जगह पर आपका आना होगा। फिर से आप लोग को इसको भी इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। देने के बाद इसको अभी ओके कर देना है। जैसे आप कर दोगे फिर से आप लोग को इस वाले फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर से आपको चाबी पर ऊपर क्लिक करना होगा। चाबी पर ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इस तरीके से आपको खींचना होगा। खींचने के बाद इसको अभी थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है। फिर से आप लोग का इस वाला जो फोटो है इसको कुछ इस तरीके से पकड़ के कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा, कुछ इस जगह पर आपको आपके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। तो इतना तक हो जाने के बाद इसको सही कर देना होगा। तो अब एक बार मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का आप लोग मेरा जो वीडियो है कुछ इस प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, जो इस वाला जो दिल वाला जो फोटो है इसको एक बार क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको बिंग टू एक फ्रंट कर देना है। जो आप लोग को फोटो है वो पीछे जाएगा, दिल का जो फोटो है वो आप लोग को ऊपर में आप लोग को दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस वाला पर आपको ये जगह पर आपको लाइएगा जहाँ पर आप लोगों को फोटो यहाँ पर बैठ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जो लेयर पर ऊपर क्लिक करके आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा। तो अभी जो आपने एक्सपोर्ट किया था वीडियो, जो एक्सपोर्ट किया था जो ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो आप लोग को बनाया था जो इसी वाला, इसको यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद इसको अभी क्रोमा की आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको जो क्रोमा की दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाना के इसको इनेबल कर देना है। की कलर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करके, ये जो मेरा की यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर अच्छा से एडजस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको आपको हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। लेने के बाद इसको अभी क्या करना होगा, इस वाला जो फोटो है इसको ड्यूरेशन आपको इतने तक रखना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको पकड़ के कुछ इस जगह इतने तक आपको कर देना होगा, इतने तक छोटा कर देना होगा, कुछ इस जगह पर आपको कर दीजिएगा इतने तक। करने के बाद इसको अभी चार डुप्लीकेट लेयर आपको बनाना होगा। तो इसको अभी सारा आपको डुप्लीकेट लेयर बना लीजिएगा। तो बनाने के बाद अभी आपको क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को मेन काम जो है कुछ एक जगह पर भी आप लोगों का है। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस वाला जो फोटो है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो की दिखाई दे रहा है इस की पर आपको क्लिक करना होगा। चाबी का आइकन है जो इसको भी क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा दूर आपको आना होगा। आने के बाद यहाँ पर आपको एक क्लिक करके इसको मैं एक क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों को क्या करना होगा, जो यहाँ पर की है यहाँ पर आपको क्लिक करके कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा। कुछ इस जगह पर आपको आने के बाद इसको अभी आपको हिसाब से इसको अभी एडजस्ट कर दीजिएगा। कुछ इस जगह पर आपको जूम करके बहुत आप लोगों को आपको जितने आपको जैसा लगता है कुछ इस जगह पर आपको ऐसा करके आपको एडजस्ट कर दीजिएगा, जो कुछ इस जगह पर कुछ इस प्रकार का कर देने के बाद इसको ओके कर देना है। तो इसको ओके कर देना होगा। फिर से आप लोग को दूसरी वाला फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फास्ट मैच आना होगा। की पर आपको फिर से आप लोग को क्लिक करना होगा। जो आपको ये चाबी दिखाई दे रहा है चाबी पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आप लोग को उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर आप लोग को फोटो यहाँ से जा चुका है कॉर्नर पर। फिर से आप लोग को इस तरीके से पकड़ के कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा। इसको ड्यूरेशन को कुछ इस तरीके से आपको बड़ा कर देना होगा। आपको हिसाब से आप कितने तक बड़ा रखना चाहते हो, तो कुछ इस जगह पर आपको आने के बाद इसको अभी इस तरीके से फिट कर देना होगा। तो मैं जैसे कलर हूँ कुछ इस प्रकार का कोने के बाद अभी आपको यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा। फिर से आप लोगों को इसी फोटो में आपको क्लिक करना होगा, जो आपको मैं दो फोटो हो चुका है। तो फिर से इसी फोटो में आपको क्लिक करना होगा। फिर से आप लोग को इस जगह पर फर्स्ट में आपको आना होगा। की पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को वही जगह पर आपको आना होगा जिस जगह से आप लोग को कुछ इस जगह पर आने के बाद इसको अभी इस प्रकार का पकड़ के कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा। इसको भी इस तरीके से आप लोग को जूम करके कुछ इस जगह पर आपको यहाँ पर सेट कर देना होगा। कुछ इस जगह पर आपको सेट कर देना होगा। कुछ इस जगह पर कर देने के बाद अभी आपको फिर से यहाँ पर ओके कर देना होगा। ओके कर देने के बाद आपको फिर से इसी फोटो में आपको क्लिक करना होगा, जो आप लोगों का आखिरी फोटो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। की पर आपको क्लिक करना होगा। एक बार की पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही जगह पर आपको आना होगा। इस जगह पर आने के बाद इसको भी आप लोगों को पकड़ के कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा। आने के बाद इसको भी आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा कर लेता हूँ। इसको बड़ा करने के बाद कुछ इस जगह पर आप लोगों को एडजस्ट कर दीजिएगा।
जैसे इस तरीके से कर दोगे तो आप लोगों का अभी जो वीडियो है कुछ इस प्रकार का बन के हो गया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। तो आप लोगों को अभी आपको क्या करना होगा, जो अभी आपको इस प्रकार का आप लोगों को नीचे आना होगा, जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस वाला जो दिल है इसको ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको विंग टू फ्रंट फिर से आपको करना होगा। करने के बाद इसको अभी क्या करना होगा, इस वाला जो दिल है इसको अभी डुप्लीकेट एक लेयर बनाना होगा। तो इसको मैं डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। तो इसको मैं डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद इसको अभी थोड़ा सा आपको छोटा कर देना होगा, कुछ इस प्रकार का छोटा कर देना होगा। और भी आप लोग को छोटा कर सकते हैं। कुछ इस जगह पर आपको यहाँ पर सेट कर देना होगा। सेट कर देने के बाद इसको अभी क्या करना होगा, फिर से मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जिस वाला जो आप लोगों को एक जो रोज वाला जो फोटो है उसको अभी यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। लेने के बाद इस जगह पर आपको छोटा करके, जितने तक आप छोटा करोगे उतने तक आपको हो जाएगा। तो कुछ इस जगह पर आपको यहाँ पर सेट करना होगा। तो मैं जैसे कर ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर सेट करना है। सेट करने के बाद इसको अभी ड्यूरेशन तो आपको जितने तक आपको वीडियो है उतने तक आपको कर देना है। जैसे कर दोगे कुछ इस प्रकार का आप लोगों का काम अभी भी नहीं हो गया है। तो अभी आपको फिर से इस वाले रोज पर ऊपर क्लिक करना होगा। ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है ये वाला जो फाउंडेशन जो है इस वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली गाइस आप लोगों को वीडियो बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आप लोगों का आसान स्टेप फॉलो करके कुछ इस प्रकार का वीडियो आप बना सकते हैं। तो अभी देख ही सकते हैं कितने शानदार देखने को मिलेगा। इस तरह से वीडियो बनाकर आपको कोई भी सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे तो आपको वीडियो 100% आप लोगों को वीडियो वायरल होगा। तो अभी आपको इसमें आपको सॉन्ग ऐड करने के लिए सॉन्ग पर क्लिक करना होगा। तो आपको जो पसंदीदा जो सॉन्ग है उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस वाला जो सॉन्ग है इसको ऐड कर लेता हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो देने के बाद अभी आपको दे लीजिए दोस्तों आपको जो वीडियो है फाइनली गाइस इसको कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं आप लोगों को इस वाला सॉन्ग को मैं म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का पंगा हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं अभी देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का आप लोग का आसान स्टेप लगकर के स्टेटस बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, आपको पसंदीदा रेजोल्यूशन सिलेक्ट करके इसका एक्सपोर्ट कर लीजिएगा।